फिर से आप सबको खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज फिर हम सब जमा हैं इसकी पाक मर्जी से, खुदा की पाक मर्जी। हम जानते हैं कि वाकई ही जब खुदा की पाक मर्जी होती है, जब खुदा की रहमत होती है, तो हम दलेर हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? दलेर का मतलब लेकिन सलाम कितनी खुशियां खुशियां होता है। खुदा यीशु मसीह में आपको सलाम पेश करता हूं। आप गुजारी रहेंगे आज मेरे साथ और हम खुदा की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से जितनी मुझे समझ है, जितनी अकल खुदा ने दी है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद समझाता है और हमें बचाता है। समझाता है और हमें क्या करता है? बचाता है। जब हम बच जाएंगे तो हम उसके हजूर में हाजिर हैं, और आज हम बचे हैं तो हम उसके हजूर में क्या है? हाजिर हैं, दलेरी के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ कि हमारा खुदावंद वाकई ही हमें बचा सकता है, संभाल सकता है और हमें हमेशा की जिंदगी में पहुंचा सकता है। आज का जो कलाम है मखसूसियत, जो मखसूसियत है, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को भी कर सकते हैं, इंसान को भी करते हैं और खुदा के नाम से करते हैं, चीजों को भी करते हैं जो चर्च की होती हैं और बंदे जो होते हैं चर्च के लिए मखसूस करते हैं। बेशक वो दुनियावी कामों में बड़े होते हैं, और ये बख्शीश किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। आज का जो कलाम भी हमने देखा, खुदा का बंदा यकूब, जो एक आम खत, यकूब का आम खत लिखा हुआ है, जब आप देखें तो उसमें क्या लिखा है? यकूब का आम खत। आम खत का मतलब है कि तमाम लोगों के लिए, जितने भी हैं, एक के लिए नहीं। खत बहुत से लिखे गए हैं लेकिन खत हैं कुछ ऐसे पांच जिनको आम खत के वसीला से बताया गया, और वो आम जो खत है वो हर एक के लिए है। क्रंथस के नाम लिखे गए खत, वो सिर्फ क्रंथस के नाम, और भी बहुत से खत हैं जो नाम उनकी कलीसियों के थे, लेकिन जो आम हो जाते हैं, जो खास हो जाते हैं, वो तमाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी कलीसिया के अंदर लोग होते हैं उनके लिए होता है आम। और जब आप आम के होते हैं और खुदा आपको बुलाता है तो आप खास हो जाते हैं। हालेलुया। क्या है यकूब का खत? उसका पहला बाप, उसकी 17 और 18 आयत, यहां पर 17वीं आयत लिखी गई है, आगे हम 18वीं आयत भी इसमें ऐड करेंगे। बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम को हम समझेंगे आज की इस आयत के मुताबिक। कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि खुदा जो है हमें समझाता है इशारों के साथ, कलाम के साथ, अपने पास ले आने के लिए। पढ़े सर कोई भी। हर अच्छी बख्शीश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हो। आमीन। खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने का खुदा आशीर्वाद करता है। आमीन।
ये जो दो आयतें आपके साथ शेयर की गई हैं, इसमें जो ऐसी बातें हैं जो 11 चीजों पर मुश्तमिल है, कितनी है 11। अगर हम इनको अलग अलग भी बयान करें ना तो एक एक मिनट भी लूंगा ना तो 11 मिनट में खत्म। लेकिन हमें जो खुदा की तरफ से आज बख्शिश मिलती है, जिन भाइयों के लिए हमने आज ये कलाम रखा है, भाई कमाल काले खां के लिए और भाई इश्तियाक गिल के लिए, कि हमने उनको आज एक अच्छी बख्शिश के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे मर्तबात के लिए, अच्छी मखसूसियत के लिए उनको मखसूस करना। हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम क्या है? हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम किधर से है? ऊपर से। ऊपर कौन है? नूरों के बाप खुदा। वो है ऊपर, यानी आसमानों से भी, आसमान में जो समा नहीं सकता। क्योंकि आसमान क्यों कह गए हैं? आपको पता है कि पौलुस ने क्रंथस में कहा था कि मैं यकायक गया था, तीसरे आसमान पर उठाया गया, इसलिए आसमानों में भी वो नहीं समा सकता। और इसलिए हमें उससे जो बख्शिश आज मिलनी है, ये नहीं कि आज उन भाइयों के लिए ये बख्शिश है, हम सबों के लिए ये खास बख्शिश होगी, क्योंकि हम भी खुदा के खास चुने हुए, अलग किए हुए और खुदा के प्यारे लोग। ये जो चुने हुए अलग किए हुए लोग है ना, यहां तक है और आगे जो है ना प्यारे, इतनी खूबसूरती के साथ खुदा अपने बच्चों को भी कहता है, ऐ प्यारो, ऐ अजीजो, ऐ मेरे चाहने वालो, प्यारे लोग हैं हम। हम प्यारे लोग उस वक्त हो जाएंगे, सिर्फ प्यारे ही ना हो जाइए, प्यारे अगर हो जाएंगे ना तो हम प्यारे ही रहेंगे। अगर हम प्यार दिखाएंगे आज के, अपने आप को अलग करेंगे, अपने आप को उन कामों से तर्क करेंगे, अपने आप को अलग लेकर जाएंगे, फिर खुदा के बिल्कुल ही प्यारे हो जाएंगे। प्यारे कौन भी कहे जी आज भाई, जिस जैसे हमने पिछले जुमे भाई अशरफ के लिए दुआ की थी, खुदा को प्यारा हो गया। प्यार खुदा उससे ही करता है, मोहब्बत उससे ही करता है जिसको वो चाहता है, और उसको अलग कर लेता है। उसको क्या करता है? अलग सादगी का इस्तेमाल है, बिल्कुल सादगी का, आप समझे। तो जब अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से है, किसकी तरफ से? जो हमारा, हम प्यारे तो वो हमें कहता ना, आज हम के उस प्यारे खुदावंद से है, उस प्यारे खुदावंद से है जो हमें भी प्यार करता है। हम ये नहीं कि हम उससे प्यार करते हैं, हम भाई ने वकार ने कहा था कि हम अक्सर आते हैं दुआ करने के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चर्च कर लिया 17 दिन बाद 2 या 2.5 घंटे देते हैं हम लोग, कितने देते हैं 2 या 2.5 घंटे। ये बहुत बड़ा आसान है इस पर, जो आपको प्यारा कहता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, हमने नहीं उससे प्यार किया। हम अगर उससे प्यार करते ना, पता क्या है हमारी वजह उससे प्यार करने की? कोई भी एक बता दे, सादे वाली बात है ये, ख्वाहिशों की, ताकि हम ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करें। हम मांगते हैं, हम मांगते हैं, यही खत में वो लिखता है, ताकि हम अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करें, उस पर नहीं। हम मांगते हैं किस लिए? अपनी ख्वाहिशों पर खर्च करने के लिए, जरूरतों पर खर्च करने के लिए, अपने सारे काम को सीधा करने के लिए, खर्च करने के लिए। अगर आज हम उससे भाइयों के लिए बरकत मांगेंगे, ये नहीं कि ये इन पे गुमान आए और ये कहेंगे हमारे पास भी भाई कुछ हो, जिस तरह वो हमें प्यार करता है। उसका प्यार ये नहीं कि हम नीर तरीन हो जाए, हम बहुत मालदार हो जाए,
मालदार उसकी बादशाही के लायक नहीं। मालदार क्या है, कैसे कह सकते कि नहीं है? आपको पता है कि मालदार जिन्हें भी ने ना, बेशक उनको इस दुनिया में बड़ी फैसिलिटीज मिलेगी, बड़ी सहूलतें मिलेंगी, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करेंगे, और जहां पर ही उनके लिए दो जंजर मिलेंगे। जो हम लोग हैं ना गरीब, थोड़े से गरीब ही प्यार करते हैं। और भाई इश्तिहाक आती मुझे कह रहे, मैं कह रहा था यार रेगुलर जो है ना चंदा हम चार या तीन लोग देते हैं, चार या तीन लोग रेगुलर महीने के महीने। तो जिनके पास बहुत पैसा ना, वो चुन के बहने नहीं, फिर छोटा नोने पाइए ते दईए, इन्हां दा ते काम ही है। लेकिन जब काम हमारा ये है तो खुदा उस काम को पूरा करता है। जब काम हमारा ये है, मैं जानता हूं कि मांगना हमारी फितरत में नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात ऐसी हो जाती है कि हमें मांगना पड़ता है, और जिससे हम मांगते हैं उसकी फितरत क्या है पता है? देना। जब भी हमने उसके पास आकर मांगा है, उसने हमें दे दिया है, क्योंकि उसकी फितरत में यही पाया जाता है। वो है हमारा प्यारा खुदावन यीशु मसीह, जो हमें कहता है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर आज हमने खुदा के बंदों को खुदा के लिए मांगा है, कलीसिया के सामने रखा है, तो हम जानते हैं कि आज के बाद ये एक 22 बरकत लोग हो जाएंगे, क्योंकि हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम नूरों के बाप की तरफ से है और मिलता है। ये नहीं उसने कोई डाउट इसमें रखा है। यहां पर उसने आगे वाली आयत में पढ़ेंगे ना, तो क्या मिलता है, ये कोई शक की गुंजाइश उसने खत्म कर दी, जिसमें ना कोई तब्दीली है। क्या है तब्दीली का क्या मतलब है? जो करना चाहते हैं ना, वो खुद ही बर्बाद और तबाह करते हैं। जो यीशु की तरफ से बख्शिश मिलती है ना, बांटना भी चाहे। एक भाई ने हवाला पढ़ा था, क्या अब्रानियों में 5:4 में क्या पढ़ा था, और ना कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक की तरफ से बुलाया ना। हम सब बुलाए गए हैं, हम कोई भी ऐसा यहां पर नहीं, आप सब बुलाए गए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। आज जब आप समझ जाएंगे कि हम वाकई ही बुलाए गए हैं, वाकई ही हम अलग किए हुए हैं, वाकई ही हम प्यारे हैं, वाकई ही हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर आज हम उसके लिए चर्च में आते हैं, गिरजे में आते हैं, दुआ करते हैं, कलाम सुनते हैं, पाक शाकत लेते हैं, उसका खून पीते हैं और गप शप लगाते हैं, चले जाते हैं और सातवें दिन फिर आकर यही काम करते हैं। ये हमारी एक रूटीन है। क्या है ये? एक रूटीन है। लेकिन जो पर्सनल होकर घुटनों के बल होकर दुआएं करते हैं, खुदा उनको वाकई ही अलग कर लेता है, मखसूस कर लेता है, और उनको चुन लेता है और उनको बुला लेता है। आज जैसे बुलाए गए हैं, आप सब बुलाए गए हैं, ये नहीं। क्योंकि अय्यूब की किताब में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, 37 उसका उसकी 5 में जरा पढ़े क्या लिखा है। खुदा अजीब तौर पर अपनी क्या करता है, 5 खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज से गरजता है, वो बड़े बड़े काम करता है जिनको हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। वो क्या करता है? बड़े बड़े काम, बड़े बड़े अजीब अजीब काम करता है। अपनी आवाज से उसने क्या कुछ बनाया था, उसने अपनी आवाज जब खोली आसमान जमीन बन गए, आवाज खोली हर एक जो दुनिया में मखलूकात है सारी बन गई, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं आया। आज एक मैं बात सोच रहा था कि इससे बात कर रहा था, हाँ भाई इरफान साहब से बात कर रहा था कि भाई खुदा हमें आजमाइश में डालता है। आजमाइश में क्या करता है? डालता है। लेकिन
उतनी ही आजमाइश डालता है जितनी हमें हम में कुव्वत होती है, बर्दाश्त होती है, और उससे वो निकालता भी है। क्योंकि ये इसकी दूसरी आयत पढ़े ना, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, क्या है तरह तरह की, क्या है मुख्तलिफ, ये नहीं कि आज मेरे पास जॉब नहीं, आज मेरे पास औलाद नहीं, आज मेरे पास काम के में जो भी पैसे है वो नहीं मिलते। ये तरह तरह की आजमाइशें कौन डालता है? जब भी हम अच्छा काम सोचते हैं ना खुदा की बख्शिश को हासिल करने के लिए, ये आजमाइशें आएंगी, तरह तरह की आजमाइशों में फंसाता है। उसका काम है, वो अपना काम करता है, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें अपना क्या काम करना है? अपने आप को उसके सामने झुकाना है। और आगे तीसरी आदमी क्या लिखा, तू इसको ये जानकर क्या कर, कमाल खुशी की बात समझ कि तुम्हारे ईमान की बर्दाश्त सबर पैदा करती है, और सबर को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना हो। क्या ये सबर करने वाला कौन है? सबर करने वाले की भी मैंने आयत पढ़ाई है, अभी पढ़ी आप लोगों ने, सबर करने वाले की आयत, जिसने सबर किया। हम सब जानते हैं लेकिन घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, जब आप घबराते हैं ना तो समझो आप खिंचे गए अंदरों, तो चुप कर रहा है, गलत रहा है, दसी। ये डर नहीं, जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी। आप आजाद किए हुए लोग हैं, आपको मैं सबसे पहले क्या कर, अलग किए हुए हैं। जो इबादत करते हैं वो अलग किए हुए हैं। और कौन सी आयत पढ़ी थी हमने अय्यूब की, कौन सी आयत पढ़ी है? खुदा का कलाम जो है, वैसे मैं सुना अय्यूब 37:5, खुदा अजीब तौर पर अपनी क्या करता है, आवाज से गरजता है, गरजना यानी दसदा, बाकी मैं खुदा जे मैं सब कुछ कर सकता, मैं सबको मार भी सकना वा ते की कर सकना वा, जिंदगी भी दे सकता। पंजाबी ते मैं क्या मार भी सकता जी ते जिंदा भी कर सकता। खुद खुदा की आवाज में पावर है। और जो हम जानते हैं जो सादक हैं, जो सच्चे हैं, जो बेगुनाह हैं, जिन पर कोई भी ऐसा ऐब नहीं, उसकी आवाज को सुनते, उसके साथ पहुंचकर हो जाते, क्योंकि वो इसको सुनाता है, एक आवाज देता है, बुलाता है, सैमुअल है, तीन दफा बुलाता है, और जब वो तीसरी दफा, क्योंकि सैमुअल उस वक्त ना समझता बच्चा था, आज खुदा आपको भी बुला रहा है, खुदा आपसे भी हम कलाम होना चाहता है, खुदा आपसे भी बातचीत करना चाहता है। और सैमुअल ने क्या कहा था? हालेलुया, आप हाजिर हैं? आमीन। तो फिर आप मेरी बात का जवाब देते रहे। हम ये ना कहें फिक्रे हमें, खुदा तो कहता है अपनी फिक्र छोड़ दो। ज़बूर 94 में एक बात लिखी हुई है, जब मेरा मेरे दिल में फिक्रों की क्या होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आमीन। आप शाद मान रहे, कलाम पर ध्यान रखें, तो मैं खुशी के साथ आज ये कलाम बड़ा मैं सादा सा बनाया था, बड़ा मुख्तसर 11 मिनट में खत्म करने वाला कलाम मैंने बनाया था। वैसे कि 11 चीजें हैं, कौन कौन सी है हमने पढ़ी है। एक है अच्छी बख्शिश, याद रखें, एक अच्छी बख्शिश कामली नाम है, नूरों के बाप की, चलो जी आगे, कोई तब्दीली नहीं, गर्दश साया पड़ता है अपनी मर्जी से, कलामे हक के पैदा किए गए उसकी मखलूकात से, और पहले फल, ये चार चीजें हैं। हम सब पहले फल हैं, जरूर नहीं के पलोठे ही पहले फल, पलोठे को खुदा ने जरूर
चुना है और आप भी पलौठे हो सकते हैं, आपको भी तरतीब आती है पलौठा पढ़ने की, आप खुदा के प्यारे हो सकते हैं। आप जानते हैं कि कैसे यकूब ने पलौठे का हक लिया और वो जानता था कि जब मैं पलौठा हो जाऊंगा तो मुझे बरकतें मिलेंगी, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे वकार मिलेगा। पहला नहीं, वो वकार जो आपको खुदा दे सकता है। आमीन। यकूब ने कैसे अपने पलौठा हक लिया था? दाल दे। वो दाल एक, उन्हें कहा मेरे हस्ते कोई चीज नहीं दाल, लेकिन जिसको भूख लगी थी ना उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा पलौठे का क्या फायदा, मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरे पलौठे का क्या फायदा, मैं इसको दाल दे देता हूं और इससे कसम ले लेता हूं कि आज के बाद मैं पलौठा हूं, क्योंकि वो खुदा की तरफ से चुना हुआ था। जो खुदा की तरफ से चुने होते हैं वो अपने हक को लेना जानते हैं। ये भाई नहीं जानते थे अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से है, इनाम कितों पता लग रहा है। आज अगर मैं इनको चुन रहा हूं खुदा की पाक मर्जी से, मैं नहीं चुन रहा, खुदा की पाक मर्जी से, पाक इरादे से, पाक तरीके से, उसी रसम से जिस तरह खुदा ने अपने रसूलों को, जिस तरह खुदा ने अपने रसूलों को चुनकर भेजा भी और क्या हुक्म दिया, आज के बाद तुम्हें जो बरकत मिली है मुफ्त मिली है और मुफ्त देना। आजकल का ये फैशन हो गया है, बेशक हमें मुफ्त मिलती है बरकत और कामल बरकत मिलती है, हम कुछ इसको कारोबार बना लेते हैं। जो कारोबार बनाते हैं उनका कारोबार बहुत ज्यादा चमकता है। ये मैंने आजमाई हुई बात है, यसु नाम में कुदरत पाई जाती है और यसु नाम में पैसा भी बहुत है। वो कैसे, आप जब यसु नाम को लेना शुरू कर देते हैं ना, खुदा आपकी हर मुश्किल परेशानी दूर कर देता है। लेकिन आपको मुफ्त मिला है, लालच ना रखें, लालच रखे तो गया, जिधर आपने लालच रखा और वो सब कुछ गया। यसु नाम में बरकत है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, रुतबा है और आगे खड़ने का मौका भी होता है। और लेकिन यसु जो तरीन देता है कहता है कि अपने आप को नीची जगह पर जाकर बैठा। अगर तू वहां पर पहले ही जाकर बैठ जाएगा शायद तेरे से अच्छे बंदे को तुझ, यानी उस आदमी को सोच रहा था कि तेरे से अच्छा बंदा शायद उसने बुलाया और तेरे पास आकर के तू जाकर उधर बैठ जा और मैंने ये कुर्सी किसी और की ओर दे दी तो तेरी बेइज्जती ना। तो इसलिए अपने आप को क्या करना है, आज अगर हमें बरकत मिलेगी तो क्या है, हम पहले ही खुदा के नीचे हैं और हमेशा नीचे ही रहेंगे। लेकिन ये खुदा पर ईमान रखेंगे तो हम क्या होंगे, ऊपर हो जाएंगे। ज़बूर 75 उसकी छठी आयत जरा पढ़े क्या लिखी है। वो क्योंकि ना सरफराजी उनके 75 ज़बूर 6 आयत है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से ना मगरिब से और ना जनूब से आती है बल्कि खुदा ही दालत करने वाला है। आमीन। किधर से है, खुदा की तरफ से है। सारिया साइडा तो किससे बुनिया दे, खुदा अदालत करता है और खुदा हमें मुनसब बना देता है, जज बना देता है। पहले जज खुद है, जब वो हमारी छान बीन करता है तो हमें वो उस मुद्दे पर पहुंचा देता है जो आज हमारे भाई लेना चाहते हैं। और जो है ना पलूस उमोतियस को जब मखसूस करता है, बरकत देता है, पहला दूसरा तीमोथियुस उसका पहला बाप उसकी 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है, इस सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं। क्या याद दिलाता है, इस सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे, क्या कर दे, चमका दे। हालेलुया। जो मेरे
हाथ रखने के बायस तुझे तुझे हासिल हुई है या मिली है या तूने पाली है। आज अगर हम इनको वो नेमत देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, चुनने वाले हैं, मखसूस करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, ताकि ये अंजीर की खुशखबरी सुने। आगे क्या लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की निकाला हुआ किसी ने। दूसरा मत्तियुस उसका पहला बाब 6-7 आयत द्वारा पढ़े, तो क्या ना चाहिए कि मैं अपने को पढ़ूं। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें क्या किया है, कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तीन नेमतें उसने बताई दी, कुदरत जो उसकी है देखी जाती है, कुदरत के बायस वो हम उसको खुदा कहते हैं, कुदरत के बायस हम उसको जानते हैं, कुदरत के बायस हम उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं कि खुदा अनदेखी चीजों का इतकार है ना, ना देखी चीजों का इतकार और अनदेखी चीजों का क्या है, सबूत जिंदा है, कुदरत उसकी यही है कि वो है। और आगे मोहब्बत से बड़ा हुआ कौन है, कुदरत खुदा जे मोहब्बत यसू जे तरबियत पात। हालेलुया। कुदरत कौन है, खुदा। मोहब्बत क्या है, यसू। और तरबियत, जब आपको पाकरू मिलता है ना, आपको तरबियत आती है खुदा के साथ चलने की, खुदा के साथ जानने की, खुदा के साथ हर तरह की नेमत को बांटने की। जब आपके पास कुदरत है, खुदा खुदा खुद है कुदरत। और जब मोहब्बत यसूदी ही सिर्फ, वो कैसे हम करते हैं यसू से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, नहीं, वो पहले मैंने बता दिया हम क्यों करते हैं, लेकिन यसू ने आपसे मोहब्बत की थी। वो कैसे सबूत है, आपको एक छोटा सा सबूत है मेरे पास, थोड़ा सा छोटा सा। क्रॉस देखी आपने, उस पर यसू लटका था कीलों के साथ, इंसान एक नॉर्मल जितनी उसकी उम्र थी, 33 साल की उम्र में शरीर दी गई थी ना, मेरे हिसाब से 50-60 के दरमियान था यीशु, इतना वजन था। अगर 40-60 के दरमियान कहते हैं कि 9-9 इंच के कील उसके हाथों में ठोके गए, पाँव में ठोके गए, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर तजर्बा करके देखिए ना, कोई उनसे देगा तो नहीं कि मेरे ठोको, तजर्बा करके देखे ना, वो बंदा थल्ले ही नहीं दिखा, वो आदमी 50 किलो का हो या 60 किलो का, वो नीचे ही गिरेगा, पक्की गल, खलोता नहीं रहेगा उधर, और रस्सियां बन दे जे फिर बाद स्पोर्टा दे दे जे अजन जो अज भी रस्सी दे रहे हैं यार, तो स्पोर्ट दो गेम से दो स्पोर्टे देते हैं। और आपको पता है यसु की स्लीप कौन सी थी, पदरी पुदरी कोई नहीं है ये स्लीप, होती खड़ोड़ी स्लीप सी, दरहत कटिया स्लीप बनाई कन्ने वाली, तो दे उसके ऊपर लटका। ये है खुदा की मोहब्बत, वो हमारी मोहब्बत के सबब से लटका हुआ, जो कुदरत वाला था और कुदरत वाला उसका बाप था, और उसकी मोहब्बत सच्ची इंसान के साथ, इसलिए तो वो कहता है कि जितने तूने मुझे सौंपे हैं। स्लीप पर क्या कहता है, पहला पैगाम उसका ये की था, क्या था, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब उसका प्यारा यूहन्ना रसूल चुना हुआ मखसूस किया हुआ उसकी स्लीप के पास खड़ा रहता है, तो वो देखता है वाकई तेरी सच्ची मोहब्बत, तेरी सच्ची मोहब्बत है, क्योंकि तू कील तो तुझे लटका नहीं सकते, खड़ा नहीं कर सकते, बल्कि तू मेरी मोहब्बत में लटका हुआ।
हालेलुया, ये है खुदा की मोहब्बत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना बेटा, कौन सी आयत है ये, यूहन्ना 16 तीन बाप की 16 आयत है ना, ये मशहूर आयत है, बड़ी मशहूर, जो सारे कलामा पढ़ी जाती सुनाई जाती है, पहले तो बड़े खादम बोलते भी नहीं सुनाते भी नहीं, लेकिन उसकी मोहब्बत आपको आज भी पाई। आज आपने भी जो महसूस हो रहा है ना, मोहब्बत ये है, कांटे आ जाए रास्तों में, मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, हमने उसकी मोहब्बत में आज महसूस हो रहा है। किसी का प्रेशर हो, किसी का दबाव हो, आप नहीं ले सकते ये बात, अभी वक्त है। और इसलिए एक महीना पहले अनाउंस किया गया था, इकरार दी गई थी, अगर किसी को भी तराज है हम इन बंदों को रोक सकते हैं। ये एक चुना हुआ और तरीके सलीके के साथ ये तरतीब है और पादरी की सिखाई हुई। और जैसे हमने अहवाल की किताब में भी पढ़ा था भाई ने, कि जब उन्होंने कहा कि हम तो कलाम सुनाते हैं, कलाम में मगन रहते हैं, अगर हम अपने में से 7 आदमी चुन ले, अग लग कर दे ताकि वो खाने पीने का दुनियावी कामों का इंतजाम करें, तो उसमें एक स्टिफनेस था, चुना हुआ, कलाम से बड़ा हुआ और कलाम से ममूर था, जब उसको सुनसार किया गया, मार रहे थे पत्थर से पत्थर, उसने भी, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत में जकड़ा हुआ था, खुदा का चुना हुआ था, खुदा से प्यार करता था, और उसने भी वो भी लफाज दराए, मैं बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, बाप का नहीं किया, उन्होंने पता ही, इन्होंने बाप खुदा पे इन्हें इंतकाम लेगा, कलाम तो पढ़िया ही, इंतकाम लेना खुदा का काम है, हम कहते ना हमने इंतकाम लेना, उन्हें पढ़िया ही, उन्हें इस मारे क्या खुदावन मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, आज यह ना कह इंतकाम उन्हें लड़ा में, बेशक वो लेता है, हम उनके लिए, जब हम अपने दुश्मनों के लिए, अपने कीना रखने वालों के लिए, अपने जो बुरा सोचने वालों के लिए क्या करते हैं, मुहालफत कर रहे हैं, चलो मेरे को ऐसा लग रहा है मुहालफत ही करने वाले हैं, कि नहीं जो नहीं ना बोलते, मुझे फिर ये रॉन्ग कलाम आता है, मुहालफत कर रहे, ये कहता है जब हम अपने बुरा सोचने वालों के लिए, कीना रखने वालों के लिए दुआ करते हैं, जोरदार तालियां एल्डर साहब के लिए, अभी से एल्डर साहब तो हम जब उनके लिए दुआ करते ना, पता है आपको क्या होता है, उनके लिए उनके सरों पर अंगारों का, आग का ढेर लग जाता है, जब हम चुले हो गए, चुले हो जाएंगे ना, इसलिए उसने क्या मरते वक्त कहा था स्टीफनस ने, अभी मैंने बताया आपके साथ को, हमने भी आज अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपनी जान को इसके हाथों में सौंपना है, आज के बाद हम खुदावन में मर जाएंगे, दुनियादारी में मर जाएंगे, बल्कि खुदावन में जी उठेंगे। जब हम बपतिस्मा भी लेते हैं, उसमें जब हम पीछे को धकेले जाते हैं, पानी के अंदर डुबो जाते हैं, हम क्या कहते हैं, अब हम यीशु मसीह में जो है दुनियादारी में से मर गए हैं, अब यीशु मसीह में ज्यादा हम दोबारा से उठ खड़े हो गए, नई मखलूक हो जाए, और जैसे ही आज ये नई मखलूक हो जाएंगे, आज के बाद ये भाई कमाल नहीं रहेंगे, बल्कि एवेंजेलिस्ट कमाल आले होंगे, आज हम उनको ये बता दें, आप इस बात का खुश हैं, और आज के बाद भाई इश्तियाक नहीं रहेंगे, बल्कि एल्डर इश्तियाक हो जाए, आप खुश हैं, खुदा आप सबको बरकत दे, क्योंकि लुका की इंजील उसका 10 बाप उसकी 16 आयत में कहता है, जो तुम्हारी सुनते हैं वो मेरे भी सुनते हैं, क्या कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो
तुम्हें नहीं मानते वो मुझे नहीं मानते, और जो मुझे नहीं मानते वो मरे भेजने वाले वाले। आमीन। आज के बाद क्या है, हमने इनकी सुननी है लेकिन ये सच्चाई के साथ कलाम सुनाएंगे। अगर ये भी बुरे हो गए तनकीद सामने नहीं, तो जो कुछ कहते हैं उन बात तो समझाओ तो समझो, बाद में क्या है समझाओ तो समझो। कुछ लोग ऐसे हैं इनने कलाम रटे होंगे ना पूड़ियां से, पता ये पूड़ियों के लिए कलाम को रटे होते हैं और पास्टरों को और एल्डरों को घेरते हैं सवाल करने के लिए, और जब पूड़ियों पर बैठते हैं ना तनकीदा तो पास्टर भी ले आई मैं ते एल्डर ने फसा लेनी अच आज वेखी बड़ा बनता है ना की बनता है। वो खुदा का चुना हुआ है, खुदा से प्यार करता है। कौन सी आयत अभी मैंने सुनाई पढ़ी है लूका की इंजील में 10 बाब की 16 आयत जरा पढ़े जरा फिर से। जो तुम्हारी सुनता है एक मिनट थोड़ा पढ़ो, जो तुम्हारी सुनता है आज के बाद, यानी के जो खुदा का चुना हुआ शिगिर्द है, खुदा का चुना हुआ और मखसूस किया हुआ जो सुनाता है, जो तुम्हारी सुनता है वो क्या है मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानते यही जो तुम्हें नहीं मानते, यानी उस जो कलाम पेश कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट है, अब मैंने तुम्हें चुन लिया है दुनिया में भेज रहा हूं, अब तुम्हारी लोगों ने सुननी चाहिए, लोग तुम्हारी सुनेंगे और बरकत पाएंगे और वो भी अलग किए हो जाएंगे। क्या है जो तुम्हारी जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। अगर आज के बाद हम इनको नहीं मानेंगे हम खुदावंद को नहीं मानेंगे। आगे पढ़ें और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। खुदावंद यीशु मसीह का भी एक भेजने वाला, खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बेशक वो हमसे मोहब्बत करते थे लेकिन खुदा जो बाप है उसने उसको भेजा, और जो भी उसकी सुनता था वो उसके साथ क्या हो जाता था मिरास में। उसकी मिरास कौन सी है, इंसान उसके मिरास है, क्लीसिया उसकी मिरास है, चुने हुए उसकी मिरास है, अलग किए हुए मिरास है, मुकद्दस किए हुए उसके मिरास है, लेकिन हमारी मिरास कौन सी, ऐसी कहने बच्चे हाड़ी मिरास हाड़ आकार हाड़ी मिरास नहीं कहते हैं कि नहीं, ये खुदा की तरफ से हमें इनाम है। क्या है, हर कामल इनाम, हर अच्छी बख्शीश और हर कामल इनाम ऊपर से। मिरास आपके पास है, आप घबराए ना, वो आपको खुदा ने बख्शी हुई है, आज खुदा आपको बख्शने वाला है ना। यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा गया, आपको पता है यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा गया, उसके वसीला से हम जिंदा हैं और मौजूद हैं, और जो उसने हमें बरकत दी है वो हमारी मिरास है, वो जो बरकत मिली है हमें वो हमारी मिरास है, और वो हमें भी बख्श देता है जब हम उससे मिल जाते हैं, जब हम उसके पैरोकार हो जाते हैं, जब हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, जब उसका कलाम पढ़ते हैं और सुनाते हैं, वो हमें बेहद मिरास वाला था। चिड़ियों के घर होते हैं घोंसले होते हैं, घर नहीं होते, चिड़ियों के घर नहीं होते घोंसले होते, जब बदल बुदल आता ना जालियां कहीं भेजी भी जाती है घोंसले तो किसी टाइम रोड़ भी जाते हैं उठे भी जाने के डिग भी पहने, लेकिन आपको पुराने छेदा दिए। आजकल की जो बरकत है ना बहुत अच्छी है, हमारे से जो अच्छी खिदमत करके गए ना उन्होंने बड़ी मुसीबतें सही, कलाम बताता है अमाल की किताब इस काम के लिए भरी हुई है, अमाल की किताब में हर एक चैप्टर में आपको पता हो कि हर एक चैप्टर में दुआ की गई है, कोई भी काम बताया गया ना उसमें हर बाप में दुआ की गई है, और दुआ के वसीला से बरकतें मिलती हैं, और बरकतें जब हमें मिलती हैं तो हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमें पाकरू देता है, और खुदा हमें जब पाकरू देता है, अमाल की किताब में एक बंदे ने कहा था
दो बाप की छत्तीस आयत पढ़े पत्रस ने क्या है अमाल की किताब दूसरा बाप छत्तीस आयत में लिखा है पत्रस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दस नाम में पाओगे आमीन। यहाँ पर क्या है बपतिस्मे का लफ्ज आया है आज इनका भी रूहानी पहले बपतिस्मा उन्होंने लिया आज रूहानी बपतिस्मा हो हालेलुया आज वे खुदा में पवित्र हो जाएंगे खुदा के चुने हुए हो जाएंगे। आज इन्होंने अगर कोई गुनाह भी किया होगा ना आज इनके पास मौका है ये कैद करने से पहले इकरार कर सकते हैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं क्योंकि हमारा खुदा माफ कर देगा। लूका की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्या है तो आज हम ईमान रखते हैं कि खुदा इनको जैसे ही ये मखसूस होंगे इनको खुदा अपना पाप बता खुदा आज इनके साथ होगा क्योंकि हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम नूर के बाद क्योंकि नूर हमारा खुदा यीशु मसीह जिसने यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब उसकी 39वीं आयत में कहा है उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए क्योंकि रूह कुदस अब तक नाजर ना हुआ था इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा ये भी अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा अभी हम इसको इनको महसूस करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह इनके अंदर काम करे। और यूहन्ना 15:16 भी लिखी हुई है ना नीचे तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने चुन लिया आज खुदा इनको शुरू कर आज इनको खुदा चुनेगा अलग करेगा मुकर्रर करेगा ताकि ये हल दे हल लाए और फल भी दे और ये फल है खुदा के नाम फल ये फल है खुदा के नाम से खुदा आज इनको सच्चाई के साथ इस्तेमाल करें ये दुनिया की इंतहा तक जाए और जो 28 बाब की आखिरी आयत में लिखा हुआ है वो वादा पूरा क्योंकि तुम दुनिया की इंतहा तक जाओ अंजीर की मुनादी करो बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बहुत से लोगों को वापस पा जो ईमान लाए हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी आज के बाद हम इनको इस काम के लिए मखसूस करते हैं किसी और काम के लिए मखसूस नहीं करते अंजील की मुनादी करें ईमान रखें और इसी को फैलाने की कोशिश करें और बहुत सी रूहों जानों बदलों को बचाने का सबब है क्योंकि हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम किसकी तरफ से है ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से याद कर लो हाँ जी ये याद करो मुकाशवा 4 बाप उसकी 11 आयत में क्या लिखा हुआ है ऐ हमारे खुदावंद और खुदा तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा की और आज हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आपको चुनेंगे। ये जो कलाम के हिस्से मैंने पढ़े हैं बड़ी सादगी के साथ पढ़े हैं समझाने की कोशिश की थी अगर समझो तो बरकत पाओगे नहीं समझोगे तो अग ते जाओगे नहीं जे नहीं इतने हड़ कोई नहीं अगर आज हम समझ जाएंगे वो कहता है मूसा ने कहा था अगर तू मेरी कौम को माफ नहीं करेगा तो मेरा किताब हयात से नाम को मिटा दे मुझे वहां पर ही डाल दे जहां पर तू इन लोगों को डालने वाला है वो जानता है कि इन्हें अग ते जाना है इन्होंने हलाक होना है और वो 90% कौम हलाक ही थी जो नहीं मान रही और वो ही 10% आगे गई थी जो ईमान लेता है। आज हम ईमान रखें और खुदा से वादा करें कि आप खुदा गमंडी खूनी कदी अधी उम्र ना पावा दगाबाज ते खूनी गमंडी भी होई जिधर दगाबाज भी होई है कि नहीं ये ज़बूर 55 ही है जब इन्हें
मेनू तो रिहाई दे देख मुसीबत मेरी 120 जरूर 55 में जरा गाएंगे इसकी आयत मुसीबत मेरी उसी में हम एक और मुकाशफा की आयत पढ़ेंगे 5:12 आयत है और वो बुलंद आवाज से कहते थे ज़बह किया हुआ ही बढ़ रहा कुदरत दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्मत के लायक है। हालेलुया। आज के बाद आपने क्या करना है उस बर्रे की जो ज़बह किया हुआ है उसकी आवाज को हमने फैला। कौन सी है 5:12 है पढ़े जरा बुलंद आवाज से बारी बारी जरा दोनों भाई जिन्होंने रिवाइजिस्ट पढ़ना है और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बह किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। भाई इकबाल पढ़े और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बह किया हुआ बड़ा कुदरत और दौलत हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। आमीन। ये ही बड़ा है जो हमारा विचार था यस्तो मसीह वही इज्जत के लायक है वही कुदरत और दौलत और हिकमत भी और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्मत के लायक। हालेलुया। अपने आप को तैयार करेंगे आप खुश हैं जिसको नींद आ रही है वो उठता है किसी को आ रही है नहीं आप खड़े हो जाए मशीन खड़ी हो जाए इसमें खड़ी हो जाए खड़ी हो जाओ नहीं दो बंदे खड़े होंगे हम इनके लिए दुआ करेंगे फिर उसके बाद हम खुदा के पास उनको बुलाएंगे जिसको भी नींद आ रही है और किसी को आ रही है भाई इरफान को भी आ रही है ये कोई बुरी बात नहीं है खुदा के काम कलाम के विच तसीर ही है भाई सनी को भी आ रही आप भी खड़े हो जाएंगे गुस्सा नहीं करना ये गुस्से वाली बात नहीं है आज हम एक नया फार्मूला नए लोग मखसूस होंगे नए लोगों के वसीला से हमें बरकत मिलेगी खुदा देता है जो गुस्सा करता है वो गाइए जड़ा भी गुस्सा करता है भाई हम ईमान के साथ क्या कहेंगे और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बह किया हुआ ही बढ़ रहा क्या है कुदरत दौलत हिकमत और ताकत इज्जत और तमजीद और हम्मत के लायक है से और ज्यादा इज्जत और जलाल वाले यस्सु के नाम से इनको छू बरकत दे और तेरा बेटा यस्सु इनकी जिंदगियों में इज्जत जलाल यस्सु के नाम से।